सत श्री अकाल, तुसी वेख रहे हो पीटीसी न्यूज़ की खास पेशकश की समझिए। तो मैं हाँ तुहाडे नाल अमित मल्होत्रा। इस खास पेशकश की शुरुआत सब तो पहला गल करते हैं उन्हां लोकां दी जिन्हां ते करोना का सब तो माड़ा प्रभाव वेखन नूं मिलिया। करोना की पहली वेव तो यह लोग हाले उभर भी नहीं सके कि हुण कोविड की दूजी वेव अते लॉकडाउन ने इन्हां दीआं जिंदगियां नूं पूरी तरह तबाह करके रख दिता है। जी हाँ, असी गल कर रहे हैं दिहाड़ीदार मजदूरों की, साडे कामियां दी, जिन्हां लई हुण दो वक्त की रोटी कमा पाना भी औखा साबित हो रहा है। चौबी मार्च 2020 ओ दिन जिसने देश के करीब 140 करोड़ लोगों की जिंदगी नूं हमेशा दे लई बदल के रख दिता अते साफ कर दिता कि साडा देश कित्थे खड़ा है। कई अजिहियां तस्वीरां निकल के सामने आईयां जिन्हां नूं वेखण दी कदे किसे नूं उम्मीद तक नहीं सी। केड़ियां तस्वीरां? तस्वीरां जिन्हां च पुलिस दे हत्थां च डंडे नजर आए अते लोग परेशान, हताश अते डरे सहमे। पुलिस दी मार चल रहे सन ए लोग। आखिर क्यों क्यों चल रहे सन ए सब कुछ? सियासत? सियासत दी गल नहीं करनी, क्योंकि जेकर सियासत चंगे ढंग नाल कीती जावे तां लोकां दा तां भला ही हो जांदा है, ते जेकर अपने फायदे लई कीती जावे, बुरे ढंग दे नाल कीती जावे तां की अंजाम हुंदा है, इह तुहाडे सामने ही है। हुण तुहानूं कुछ होर तस्वीरां विखाउने आ जो साल 2021 दीआं ने। इस नूं लैके कई सर्वे भी आए, कई वार्निंग्स आईयां कि संभल जाओ, पर साडियां सरकारां नहीं संभलियां अते इह लोक भी हुण तक अपनी जिंदगी संभालण की कोशिश ही कर रहे ने। जनाब, इस शख्स के हत्थां च 5-10 रुपए के पापड़ नहीं, उसकी पूरी जिंदगी, उस दियां उम्मीदां आशावां ने। इह शख्स जो रिक्शा चला रहा है, मेहनत कर रहा है, इह ओह लोक ने जिन्हां ते करोना की मार शायद सब तो वध पई है, जिन्हां दियां जिंदगियां करोना ने तबाह करके रख दित्तियां, जो हुण भी दो समय की रोटी दे लई मुहताज विखाई दिंदे ने। लॉकडाउन में सब चीज़ तो बंद है, तो काम कहाँ से मिलेगा? किराया दे में खाने की पूर्ति करें तो कर्जा हो रहा, पिछलो कर्जा तो पटोना, फिर आगे फिर यू लॉकडाउन लग गो, कहाँ से देवे आदमी। जी हाँ, यही सच्चाई है साडे न्यू इंडिया दी, साडी $3 trillion इकोनमी दी। यह तस्वीरां भावें हरियाणा के फरीदाबाद तो निकल के सामने आई हूँ, पर यह हाल पूरे देश का है, जिथे साडे देश की लेबर क्लास के लिए, साडे मजदूरों के लिए, साडे कामियां के लिए गुजारा करना भी मुश्किल हो गया। हालात खराब ने, बेहद खराब ने। यह मजदूर है लेबर क्लास रोज़ सड़कों पर ठोकर खाने लिए मजबूर होंगी है, किसी को चौराहे पर खड़ा होना पै रहा है, कोई कई कई मील पैदल चल रहा है, कोई भुख के नाल लड़ रहा है, तो कोई सिस्टम के नाल, किसी की नौकरी छुट चुकी है, किसी के सुपने टुट चुके ने। इन्हों का कहना है कि जेकर हाल यही रहा तो असी अपने परिवार का गुजारा किवें चलावांगे, इस तुहानू खुद नू समझनी होगी। काम घाम मिल रहा है, कहीं नहीं मिल रहा काम। अच्छा, कैसे चला रहे हैं घर परिवार? घर परिवार चले ही नहीं आ रहे, भूखा मर रहा घर परिवार, क्या करें बताओ, घर परिवार भूखा मर रहा जी। लॉकडाउन की वजह से काम नहीं मिल रहा, क्या वजह है? लॉकडाउन की वजह से नहीं मिल रहा जी, कुछ भी नहीं है, लेबर कितनी भूखी मर रही है यहाँ पर लॉकडाउन की वजह से, कौन सा आदमी यहाँ कितने गुजर रहे हैं, काम धंधे नहीं चल रहा है और क्या। सरकार जी, इन्हां लोगों की गुहार सुनो, ए लोग भुखे मर रहे ने, रोटी भी खाने के पैसे तक नहीं। सरकार जी, कर्जा चुक चुक के गुजारा चला रहे ने ए लोग, सिर ते रखी कर्जे की पंड का बोझ भी हुण लगातार वधदा जा रहा है। दसो जरा, दसो किवें अपने न्याणियां नूं पढ़ाउण लिखाउण, किवें उन्हां दे सुपने पूरे करन, ए लोग सवाल पुछ रहे ने। तुसीं करोना नाल भावें जंग लड़ रहे हो, पर ए लोग खुद नूं जिंदा रखण दी लड़ाई लड़ रहे ने, ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਿਤ ਦਿਨ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੁਧੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ
उड़ीक कर रहे हैं। इन्हां चों कुछ तो सही ढंग के नाल तुर फिर भी नहीं सकते। रिपोर्ट वेखन तो बाद तुसी भी यही सोचने के लिए मजबूर हो जावोगे कि आखिर इन्हां नौकरियों का असल हकदार है कौन। मेरा कमिटमेंट है कि पंजाब विच असी नौकरियां दा एक हर घर चो एक नौकरी देवांगे। मेरा नुक्ता हर घर विच एक नौकरी पक्की। कैप्टन अमरिंदर सिंह दा ऐ बयान तुहानू याद है ना, किते भुलदा नहीं गए। जी हाँ, चोणां तो पहलां कैप्टन साहब ने वादा किया सी कि असी हर घर नौकरी देवांगे, पर ऐ वादा हुण थोड़ा जिहा बदल गया। हर घर नौकरी नहीं, सिर्फ अपने घर नौकरी। जी हाँ, इल्जाम तो विरोधी यही ला रहे ने। एक पासे कैप्टन अमरिंदर सिंह दे अपने ही उन्होंने विरोधी बनी बैठे ने, उन्होंने खिलाफ कई कांग्रेसी लीडर्स ने दिल्ली दरबार च डेरा ला रखे, तो दूजे पासे अपना राज बचाउण च लगे कैप्टन अमरिंदर सिंह दो विधायकों के मुंडियां नूं सरकारी नौकरी देण दी तैयारी कर रहे ने। पर दूजे पासे कैप्टन साहब जरा एक नज़र इस तस्वीर वाल भी मारो। ਇਹੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਸ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਰ ਕੀ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਵਫਾ ਹੋਇਆ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਸਰ, ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੋਬ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੇਗੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਬੀਤਦਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਮਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। 4.5 साल हो चले, 6 महीने रह गए, कांग्रेस सरकार ने भी मेरे अपने अपाहिज व्यक्तियों लिए कुछ नहीं किया। सर, ला रहे आ 4.5 साल हो गए इन्हों सत्ता चाया। 4.5 साल बेच मैं कोई इधर टाइम नहीं, जो अप्लाई ना किया हो, टेस्ट ना दिते, हूँ पास ना किते हो। बाकी रही गल मंत्रियों की, ये तो ला रहे हैं जी। जी हाँ कैप्टन साहब, ध्यान वेखो इन्हों तस्वीर, कोई सही ढंग चल नहीं पा रहा, किसी की एक बाँ नहीं, कोई बोल नहीं सकता। गौर नाल वेखो इन्हां निगाहां जो अपने अंदर पता नहीं किन्ना को दर्द समेटे बैठिया ने। अखां तुहानू सवाल पूछ रही ने कि सानू नौकरियां क्यों नहीं दित्तियां गईयां। यह चेहरे जवाब मंगते ने कैप्टन साहब। हाँ, तुसीं इन्हां दी पेंशन तो जरूर लगवा दित्ती, पर 750 रुपये या 1500 रुपये च कोई अपने घर का गुजारा किवें कर सकता है, इस समझ तो परे। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ? 750 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ ਸਾਡੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜ ਆ। 1501 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, 850 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਵਾ। ਉਹ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ, ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ 1500 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? 750 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋ, ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ 1-1 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਲਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੱਲ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ? ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ, ਮਿੱਠੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਪਰਸਨ ਆ, ਤੁਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਤੇ ਲਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਆ, 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਂਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਆਖਰ ਕੀਤੇ ਹੀ ਕਿਉਂ। ਪੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਯੋਗੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿਵਿਆਂ 'ਚ ਬਲਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਕਈ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੱਡ ਬੀਤੀ। ਮੌਤ ਇੱਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
शमशान जाना ही पैंदा है। पर जेकर किसी परिवार को रहन खातर ही शमशान घाट जाना पै जाए तो तुसी उस परिवार के हालात का अंदाजा शायद खुद ही ला लोगे। एक अजिहा ही परिवार है जो जिंदे जी हालातों का सताया, सरकारां का सताया, सिस्टम का सताया, मजबूर है शमशान घाट डेरे लाने के लिए। उस शमशान घाट च जिस नेड़ों लोग रात समय लंघनों भी डरते हैं उत्थे ही गरीब मजबूर परिवार रातां गुजारद। जी हाँ, संगरूर तो 30 किलोमीटर दूर पिंड बालद कलां च गरीबी के चलदियां यह परिवार पिछले 7 सालों तो शमशान घाट च रहन मजबूर है। यह तस्वीर एक चपेड़ है साडे सिस्टम ते, साडे समाज के मूँह ते। एक पासे किसी का सिवा जल रहा होंदे, दूजे पासे इस परिवार का चुल्ला। तुसी खुद वेख सकते हो कि किहो जे हालात च यह परिवार जिंदगी कट्टन नू मजबूर है। घर वेच के धी का विआह किया, इस तो बाद चीज़ां बद तो बदतर होंदियां चलियां गईयां। हुण इह लोक इत्थे डर दे साए हेठ अपनियां रातां कट्टन नू मजबूर हो रहे ने। मेरे घर आए दी हो गई थी लत्थ, उदो बाद मैं फिर घर बेच के कुड़ी दा करिया विआह। ठीक है, कुड़ी मेरी दोबारा फिर बैठी है। ठीक है, फिर असीं आके समझा घर च रहन लग गए। किन्ने साल? 4 जाने 7 साल हो गए। अच्छा, कोई इल्तजाम नहीं हैगा तो टाइम तो कढ़नी है ना। उधरों सेवा बलदा जी, उधरों असीं आपदा चुल्हा बालदे हाँ, चाह पानी रोट टुक कर देंगे। ठीक है, रात नूं फिर सानूं भया भी आउंदा जदों जसकार करके जांदे ने। सेवा वाली जाना हाँ, डर डर उठते हैं। फिर सात साल तो शमशान च रह रही लाभ कौर ना दी इस महिला दे पति दी मौत हो चुकी है। बेटी अपाहज है, गुजारा गलियां चो खाली बोतलां चुक के ते फिर उन्हां खाली बोतलां नूं बेच के हुंदा है। दो वक्त दी रोटी लई भी पिंड दे लोकां अगे झोली अड्डनी पैंदी है। वाकई इस परिवार का दर्द वेख्या नहीं जाता। इतों तक कि इस परिवार के कोल पीण लई साफ पानी तक का कोई बंदोबस्त नहीं। मटियाल जवान कुड़ी आई ना, तो मैं इनू छड़ के जान जोग नहीं कितने, ना इतने जिंदा ना कुंडा ही। ठीक है, ना मैं इनू ना खिच सकती। मंगता जी आई है बस, सानू तो कमरा पाई जाए जिंदे अंदर समान हो जाए। सानू बहुत ज्यादा ਖਿਆਈ ਆ ਉਰੇ ਰਹਿਣ ਦੀ। ਉਰੇ ਜਾਣਾ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਕੁਆਬੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੇਜਦੇ ਤਾਂ ਲਿਖੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਠਾ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀ ਹੈ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੈ ਬਰਾਬਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਮੰਗਣ ਵੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। पिंड दे लोग भी सरकार तो यही मांग कर रहे ने कि सरकार इस परिवार को थोड़ी मदद करे। 22-23 साल दी तां कुड़ी है, ते 60 साल दे लागे भागे उहदी माता है। जदों दे इहदे हसबैंड दा डैथ हुई है, उस तों बाद कुड़ी दा विआह कीता, रुल गया परिवार। रुलण करके सत्त दी मजबूरी है नहीं, छत है नहीं, जिहदे करके शमशान घाट दे विच रहण वास्ते मजबूर है। बहुत प्रशासन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਂਝ ਲੋਕ ਲਵਾਉਂਦੇ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਧੰਨ ਨੇ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਸ ਮੜਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਜਾਗਿਆ, ਜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵਾਕਈ 'ਚ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਬੀਟੀਸੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਈ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। एक माँ रातां जाग जाग अपनियां इच्छावां अते सुफनियां दा कतल कर कर अपने बच्चियां नूं पाल पोस के वड्डा करदी है। पर अज दे इस दौर च लोक रिश्तियां दी कदरां कीमतां भुलदे जा रहे ने। अजिही ही खबर लुधियाना तो सामने है,
जिथे दो कमाऊ पुत्तां वल्लों अपने प्यो दे नाल मिल के अपनी मां नूं ही घरों बाहर कढ दिता गया ते हुण ओह दर दर दीआं ठोकरां खाण दे लई मजबूर हो रही है। की है इह कलयुगी कहानी विखाउंदिआं तुहानूं। एक औरत पहला अपने पति लई अपना घर छड्डदी है, फिर अपने बच्चियां खातर सारी जिंदगी हंडा दिंदी है, उन्हां दी खुशियां दे लई अपनी खुशियां दा कतल कर दिंदी है, रातां जाग जाग उन्हां दा ख्याल रखदी है, सिर्फ ऐसे उम्मीद च कि उसका पति सारी जिंदगी उसका साथ देवेगा। जदों अपनी जिंदगी का ज़्यादातर पड़ा लंघ चुकी होवे तां उसदे बच्चे उसका ख्याल रखन, यही वो आस करती है। पर लुधियाना के पिंड सीड़ा च एक माँ दर दर दियां ठोकरां खाने मजबूर हो रही है। इस महिला का इल्जाम है कि उसके तीन कमाऊ पुत हैं। फौज चो रिटायर होए दो दो पेंशन लैन वाले पति ने भी इस महिला नूं घरों बाहर कढ दिता। समान उन्होंने आपदा आपदा इन्होंने बुढ़े ने दिता था उन्होंने वंड के, मैनू कहने तेरा कोई थां नहीं हैगा भी जिथे तू मर्जी आपदा समान ले जा। तीन ने बरांडे च मंजा डायो, मंजा डा के मैं पै गई, मैनू किसी ने आके रोटी नहीं पुछी, मैनू किसी ने पखा नहीं लाया। पिंड वासियां दा कहना है कि कई बार परिवार नूं समझाउण दी कोशिश भी कीती गई, इस बजुर्ग मां दे बच्चियां ते कोई भी असर ना पिया, ना ही इसके पति इसते कोई तरस आंदा। हम लोग डरते हैं कि इन्हें कह मानते किसी गल नहीं, मेरे सामने तो नहीं सदे, मैं कह ये शिकायत लैके जरूर आती रही है साढ़े मेरे को खुद, मैं पंचायत की गल नहीं कहता, मेरे को मेरा ख्याल है 20 बारी गई होनी, मेरे घरवाली को भी, मेरे घरवाली भी गल कह दूंगी भी वाकई आँदी रही है, मैं कहना भी आँदी रही है। बाली बार से फौजी है ना, पेंशन मिलती है दोनों की गुजारे जोगी, मैं तो ज्यादा ओनू फल टकूंगा भी फौजी दे छत दे रहे नहीं कख नहीं दे। आखिरकार अमरजीत कौर नूं पुलिस का सहारा लेना ही पिया। पुलिस सामने इस महिला के पति ने अपने ते लगे सारे इल्जामां नूं गलत करार दे दिता अते कैमरे के सामने एक वखरा ही तर्क पेश कर दिता। पेंशन देखो जी मैं लै रहा उन्हूं, मैं 2500 पेंशन दे रहा पेंशन चों, ते उहदे विच उह कहिंदी वधदे वधदा भी उत्थे पंचायत च रौला मुक्या सीगा वी 5000 ते उह फिर नहीं मन्नी हैगी। मैं हाँ जिहड़ा हुण कोर्ट सीधा उहदे खाते च मेरे खाते च 2500 जा रहा है। अलमारी सीगी, अलमारी च इहने अपने पै कपड़े रख दी आ, अलमारी मैं 2000 दी लै के लई सीगी, 2000 दे उहदे विच इहदे कपड़े ने, उह उहनां ने बाहर कढ़ी सीगी, इहदे च इहनां ने आपस विच 9-10 दा रौला पिया, वधदा वधदा जी कहिंदी मेरा तां इहनां ने बिस्तरा कढ़ता। उधर पुलिस का कहना है कि मामले च तफ्तीश की जा रही है और इस बुजुर्ग महिला की मदद जरूर की जाएगी। सर ये अमरजीत कौर वालों कंप्लेट आई थी साढ़े को, जिन्हें कहा कि मैं कोई रहन वास्ते जगह नहीं दी जा रही घर के, आपसी लड़ाई झगड़े का डिस्प्यूट है घर का, तो वह हसबेंड जोड़ा है फौज में रिटायर्ड है, तो जिदा असी जो दरखास्त है वो फिलहाल पड़ताल अधीन हैगी, जो भी बनती कार्रवाई हैगी वो असी कर देवे। ये इस मामले के सामने आने तो बाद हर कोई हैरान है, सोचने मजबूर है कि जेकर वाकई इस महिला के इल्जाम च सच्चाई है तो कि इस महिला के बच्चों के जज्बात ने दम तोड़ दिता, जां इस महिला के पति की सोच में उल्ली लग चुकी है जिसने इस महिला नू इस हाल च तड़फन दे लई सड़कां ते छड़ दिता। PTC न्यूज़ लई लुधियाना तो विनय कुमार की रिपोर्ट।